बाल करने की पिताजी, ये दुनिया हम पे नहीं बढ़ाया जाएगी, हमको वरदान दे दो। हम तो रहे सदा ब्रह्मचारी, हम हमेशा 16 साल के बने रहे, बुढ़ापो हमें आवे नहीं। महाराज ये दुनिया हम से नहीं बढ़ेगी। महाराज को बड़ा बुरा लगा, हम दुनिया बढ़ाने के लिए बच्चों को जन्म दिए मन से, ये तो हमारी बात ही नहीं मान रहे। तो महाराज ने को क्रोध आया, और जैसे ही उनने क्रोध को रोका तो क्रोध उनका भ्रकुटी तोड़ के निकल पड़ा। भ्रकुटी समझते हैं, दोनों भौं के बीच के स्थान को भ्रकुटी कहते हैं। भ्रकुटी से क्रोध निकल पड़ा, उसी से एक बालक पैदा हुआ, और जैसे ही वो बाहर आया तो रोने लगा, और रोने से उसका नाम रुद्र पड़ गया। बोले रुद्र भगवान की जय हो। पिताजी बताओ, आदेश करो जगई लाला, तुम दुनिया बढ़ाओ, आज जो तुम्हारा नाम रुद्र होगा तुम संसार बढ़ाओ। तो भोले बाबा ने अपने रूप से संसार बढ़ाया। हा हा, भूत पिचास डंकिनी बिच्छू कांतर जे तमाम बना डाले। बोले रुको रुको रुको, ऐसी सृष्टि बनाओगे तो या तो दुनिया को भस्म कर देगी, प्रभु तो अपनी माया समेटो, यहाँ से ले जाओ, भगवान मेरा भजन करो जाओ। तो भोले बाबा ने अपनी माया बटोरी ले गए और परमात्मा के भजन में लग गए। इधर फिर महाराज श्री ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से 10 बेटों को जन्म दिया। ध्यान से सुनना, मन से मरीच, आंख से अत्री, मन से मरीच, आंख से अत्री, अंगूठा से दक्ष, गोदी से नारद, भौं से भृगु, खाल से क्रतु, वशिष्ठ अंगरा, 10 बेटों को जन्म दिया। और दसों से कई बेटा संसार बढ़ा, तो दसों ने कई प्रभु समय आने पर संसार बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने एक बात सोची कि जैसे दीपक और बाती हो और घीयो तो दीपक जल जाएगा, लेकिन घीयो माता और बात ही न हो तो दीपक नहीं जलेगा। वैसे ही बिना स्त्री के दुनिया नहीं चल सकती। तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक पुत्री को जन्म दिया, उसका नाम सरस्वती पड़ा। बोले सरस्वती मैया की, सरस्वती का जन्म हुआ। सरस्वती बहुत सुंदर थी, ब्रह्मा जी को पूर्व जन्म में श्राप लगा था गरुड़ भगवान का। पंडित राम मूर्ति शर्मा पौराणिक कथावाचक वाणी वालों ने अपनी भागवत में लिखा है कि कोई बाप कितना ही अनाचारी हो, दुराचारी हो, लेकिन अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचेगा। तो ब्रह्मा जी ने क्यों कुभाव मन में पैदा किया, श्राप लगाया। उस श्राप की घटना एक मिनट में सुन लो। एक बार कैलाश पर्वत पर भोले बाबा सत्संग कर रहे देवताओं के साथ, उसमें गरुड़ ही गया। उस सत्संग में गरुड़ को एक हंसनी से प्रेम हो गया। सब सत्संग में लगे रहे और ये अपनी प्रेम लीला में लगे रहे। इनकी दृष्टि ब्रह्मा जी की इन पर पड़ गई, और ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी को हंसी आ गई। तो गरुड़ ने श्राप दे दिया, हे ब्रह्मा, अरे मैंने तो अपनी जाति की गरुड़ी से प्रेम किया, हंसनी से, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपनी लड़की पर ही आसक्त हो जाओगे। बोली आनंद कंद भगवान की। इसी कारण से ब्रह्मा जी के अंदर कबाब हो गया। तो ब्रह्मा जी ने एक मिनट में उस शरीर को छोड़ दिया, और 14 बेटाओं ने श्राप दे दिया, हे पिता, तुमने संसार बन के तैयार नहीं हुआ, अपनी बेटी के बारे में गलत सोच लिया, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जाओ, तुम्हारी कभी मंदिर में पूजा नहीं होगी। बोली आनंद कंद भगवान की। इसलिए ब्रह्मा जी की पूजा तो होती है लेकिन मंदिर में नहीं होती। ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर राजस्थान में है, बाकी ब्रह्मा जी का तुम्हें कहीं मंदिर नहीं मिले। उसी दिन से मंदिर नहीं बनता ब्रह्मा जी का, लेकिन पूजा होती है। अगर पूजा नहीं होगी भाइयों, तो दुनिया का कोई कार्य नहीं होगा। उदाहरण से बताऊं, यज्ञ होता है, हवन की पहली वेदी किन की है भाई, बताओ पंडित जी, ब्रह्मा जी की पहली वेदी बनी है, किन की है? हम जैसे ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, उसकी एक धारा धागा किसका होता है? ब्रह्मा जी का होती है, ब्रह्म खांस होती है जनेऊ में। जब लोग तुम नवग्रह शांत कराते हो, ग्रह शांत, तो गृह शांत में मंत्र में पहला ही मंत्र में नाम ब्रह्मा जी का आता है। ब्रह्मा मुरारी तपुरांतकारी आता है क्या नहीं मतलब? तो ब्रह्मा जी की पूजा तो हवन कराओगे तो ओम ब्रह्माय नमः किया जाता है।
इसलिए ब्रह्मा जी का पूजन तो होता है लेकिन मंदिर में नहीं होता। श्राप दिया तो ब्रह्मा जी ने उस शरीर को छोड़ा और उस शरीर के दो हिस्से किए, नया शरीर धारण किया। अब नया शरीर जो धारण किया ब्रह्मा जी ने तो उनके पांच मुख हो गए। क्या मुख हो गए? पांच। और पांच मुख से दस दिशाओं का निर्माण किया। दिशाएं कितनी होती है माता? दिशाएं कितनी होती है? दिशाएं चार दिशाएं नहीं होती, दस दिशाएं होती है। दस दस दिशाओं का निर्माण किया, छह ऋतु में होती है। ब्रह्मा ने अपनी छाया से बेटे को पैदा किया, इसका नाम पड़ा कल पढ़ो कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जो नया शरीर धारण किया उसे ब्रह्मा जी की सीधी छाती से, ब्रह्मा जी की सीधी छाती से धर्म का जन्म हुआ। ये धर्म तो हमारा धर्म अनाद काल से आया है, ब्रह्मा जी के बच्चे से पैदा हुआ है। ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म पैदा हुआ है। कहां से पैदा हुआ है? पीठ से। भगवान ब्रह्मा के ओठों से लोभ पैदा हुआ है, ब्रह्मा जी की भौं से क्रोध पैदा हुआ है। संसार में जितने धर्म हैं सब सनातन धर्म से निकले हैं। क्यों? कि किसी धर्म को मनुष्य कभी स्थापित नहीं कर सकता। मनुष्य जिस चीज को चलाता है वो पंथ कहलाते हैं, रास्ते कहलाते हैं, लेकिन जिसे भगवान ने बनाया वो धर्म कहलाता है। तो धर्म ब्रह्मा जी की छाती से लाया, अनाद काल से कोई धर्म है तो वो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, श्रेष्ठ धर्म है सनातन धर्म। जो शरीर रह गया उस शरीर को तेल में रखा गया, फिर उसका शोधन किया गया तो बाएं भाग से एक स्त्री का निर्माण हुआ और दाहिने भाग से पुरुष का निर्माण हुआ। जो पुरुष बना उसका नाम मन पड़ा और जो स्त्री बनी उसका नाम शत्रुपा पड़ा। दोनों की परमात्मा ने शादी कराई और उनकी शादी हुई और धर्म उनको दिया कि तुम जा दुनिया में धर्म की स्थापना करो और राजा बनो, दुनिया के पहले राजा। कही प्रभु बन तो जाए लेकिन जो तो पानी पानी है, जब कहां धर्म की स्थापना आ जाएगी? तब ब्रह्मा जी को ध्यान आया, अरे इतना परिवार बढ़ा लिया ये रहेंगे कहां? उसी समय ब्रह्मा जी ने कमल के एक पत्ते को तोड़ा, तीन भागों में बांटा, भू भव सह, और तीन लोगों का निर्माण किया और तीन लोगों में 14 भवनों का निर्माण किया। पृथ्वी का स्थापना ब्रह्मा जी ने नक्शा बना के तैयार की, नक्शा रख नहीं पाए ब्रह्मा जी, तब तक हिणाक्ष नाम का राक्षस नक्शे को ले गया, चुरा ले गया। अब कैसे बनाए? तो भगवान ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया तो उनकी नाक से छींक आई और छींक आई तो उसमें से थोड़ी नाक निकल पड़ी और जो नाक निकल गई उसी से सूकर बन के तैयार हो गया। और सूकर निकल के तैयार हो गया, आदेश किया जाओ क्या पृथ्वी के नक्शा को लाओ। सूकर भगवान गए, हमारे यहाँ अवतार माना गया सूकर, 12 भगवान बोलते हैं, बोले बड़ा भगवान की जगह जाओ पृथ्वी के नक्शा को लाओ। महाराज आज्ञा लेकर चले। ये अंश अवतार हैं, कला अवतार नहीं है। ये जो बड़ा अवतार हैं ये कला अवतार नहीं है, ये अंश अवतार है। भगवान के अवतार लेने के भी कई कारण हैं, कोई अंश अवतार होता है, कोई कला अवतार होता है, कोई पूर्ण अवतार होता है। तो जो बड़ा भगवान है वो ब्रह्मा से अवतार लिए इसलिए अंश अवतार है, समझ रहे हैं क्या? नहीं, जो परमात्मा से अवतार लेते हैं वो पूर्ण अवतार कहलाते हैं। जैसे राम और कृष्ण कुछ कला अवतार होते हैं, जैसे व्यास जी कैसे अवतार हैं? भगवान श्री कृष्ण के कला अवतार हैं। हमारी बात समझ रहे हैं आप या नहीं? जैसे रामायण में भरत जी भगवान को कहा गया है कि वो राम जी विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भरत जी को विष्णु का अवतार बताया गया। क्यों? जो भरण पोषण कर सोई ताकर नाम भरत से होई। तो विष्णु भगवान के अवतार माने गए भरत, तो वो कला अवतार है। तो कला अवतार, अंश अवतार, आवेश अवतार, पूर्ण अवतार, ये चार पांच प्रकार के अवतार होते हैं। तो महाराज गए, हिणाक्ष को ललकारा, नक्शा अपने दांत पर रखा, वो कहने लगा चोर चोर चोर। तो भगवान ने सोना नहीं ला करके प्रभु को दिया, प्रभु ने पृथ्वी की स्थापना की। तब भगवान चूकर गए उससे लड़ने और उनका युद्ध हुआ और युद्ध में भगवान ने हिणाक्ष को मार डाला। बोली आनंद कंद भगवान की। इस प्रकार पृथ्वी की स्थापना हुई।
मनु महाराज अपने परकर को लेकर आए और धर्म की स्थापना की और अयोध्या के प्रथम राजा महाराज मनु बने। मनु और मनु महाराज की पत्नी से 5 संतानों का जन्म हुआ, उनमें 3 बेटियां और 2 बेटे। पहले बेटियों के वंश की कथा आई। बड़ी बेटी का नाम है आकृति, जो रुच प्रजापति को ब्याही गई इस शर्त पर कि बेटा होगा उसे हम ले लेंगे पुत्र का धर्म। पुत्र का धर्म समझते हैं आप लोग? जैसे आपके घर में केवल बेटी हो, बेटा ना हो, और आप जिस किसी को अपनी बेटी दो उसे अपने दामाद से कह दो, भैया देखो हम अपनी बेटी तो तुम्हें दे रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी से जो भी बेटा पैदा होगा उसे हम लेंगे। क्या लेंगे? उसे हम लेंगे, बाकी और हो उसे तुम रखना। वो कहता है पुत्र का धर्म। तो इस रीत से शादी हो गई, तो उससे यज्ञ दक्षिणा का पैदा हुआ, जन्म हुआ जोड़ा का। यज्ञ भगवान का और दक्षिणा का जोड़ा हुआ और दोनों की शादी करा दी। इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। और ध्यान से सुनो, दक्षिणा, दान और दया, इन तीनों मंत्र होता है। दक्षिणा क्या है? कोई ब्राह्मण, कोई संत, कोई विद्वान तुम्हारे यहां जो भी काम कर रहा है।